सो हेयर MIUI 14 के न्यू अपडेट्स Xiaomi डिवाइसेस के लिए रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से डिवाइसेस के लिए कौन कौन से वर्जन्स कौन कौन से सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ हुए हैं इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला डिवाइस है पोको X3 NFC। तो इसके लिए 14.0.5.0 का यूरोप स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक की यूजर्स के लिए रिलीज़ हो चुका है। और इसके बाद पोको M5S के लिए 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। तो पोको X3 में आपको जून के मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, जो कि एक बहुत ही ओल्ड सिक्योरिटी पैच है, क्योंकि यहाँ पे अगस्त का महीना एंड चल रहा है और अब हमें इसमें जून का अपडेट मिल रहा है। और पोको M5S में हमें लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, जो कि है अगस्त का सिक्योरिटी पैच। और इसी के साथ अगला डिवाइस पोको F5 के लिए 14.0.8.0 यूरोप स्टेबल अपडेट अगस्त सिक्योरिटी पैच के साथ बीटा टेस्टर से यानी कि MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। तो अब आप इस अपडेट को चूज अपडेट पैकेज से ईजिली फ्लैश कर सकते हैं। और अगला डिवाइस पोको X3 GT, तो इसके लिए 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट अगस्त सिक्योरिटी पैच के साथ MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। और इसी के साथ Redmi Note 11 Pro Pro Plus चाइना स्टेबल अपडेट 14.0.6.0 जो इंडिया में Xiaomi 11i के नाम से है, इसके लिए भी अगस्त सिक्योरिटी पैच पर न्यू अपडेट रिलीज़ हो चुका है। और अगला डिवाइस है Redmi Note 10 Pro, इसके लिए 14.0.2.0 TR स्टेबल अपडेट अगस्त सिक्योरिटी पैच के साथ MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। और 14.0.2.0 रशिया स्टेबल अपडेट भी अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ मिलता है। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए इन दो रीजन्स के लिए लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच मिले हैं। अब वीडियो के लास्ट में एक रीज़न के लिए और अपडेट रिलीज़ हुआ है, वो भी मैं आपको शो करूँगा, लेकिन उसमें सिक्योरिटी पैच बहुत ही ओल्ड दिया चांसेस है, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पे अगले डिवाइसेस ऑलरेडी पोको स्मार्टफोन के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो भाई केवल अगर स्मार्ट कार्ड के लिए रिलीज किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब हो चुका है। और Redmi Note 12 Pro Pro Plus 5G के लिए तैवान स्टेबल अपडेट Android 13 पर बेटा टेस्टर्स के लिए रिलीज हो चुका है। और इसी के साथ 14.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट पोको X5 के लिए फुली रिलीज हो चुका है। Redmi Note 11 के लिए 14.0.2.0 इंडिया स्टेबल अपडेट यहां पर MI पैनल से पब्लिक में रिलीज हो चुका है। तो अब आप इस अपडेट को चूज अपडेट पैकेज से फ्लैश कर सकते हैं। तो यहां पे Redmi Note 12 Pro तैवान स्टेबल अपडेट Android 13 की रिकवरी रूम मैंने पोस्ट कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप इस अपडेट को रीनेम ट्रिक से फ्लैश करना चाहते हैं तो आप इजीली फ्लैश कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगले डिवाइसेस 14.0.1.0 Android 13 रशिया स्टेबल अपडेट फुली रिलीज़ हो चुका है। Redmi Note 12 Pro के लिए फास्ट बूट रोम अवेलेबल हो चुकी है। और इसी के साथ तो अगले डिवाइसेस भी आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे Xiaomi 11i हाइपरचार्ज के लिए 14.0.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो भी ओल्ड डिवाइसेस में इंडिया रीजन की अपडेट्स मिल रही हैं उनमें आपको MIUI डायलर अभी भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये भी मैं आपको पहले ही यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स कमेंट में पूछना शुरू कर देते हैं कि ओल्ड डिवाइसेस में कब तक मिलेगा, ओल्ड डिवाइसेस में अभी आपको MIUI 14 में तो कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप इंडोनेशिया रोम रीनेम ट्रिक से फटाफट से फ्लैश कर लीजिए। और इसी के साथ ये रहा वो 14.0.4.0 इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट जो आपको जून सिक्योरिटी पैच के साथ मिलता है। और इसी के साथ ये वाला जो स्टेबल अपडेट है 1.9 GB के साइज़ में, इस वाले स्टेबल अपडेट को जुलाई के महीने में ही रेडी कर दिया गया था, यानी कि 2 जुलाई को ये स्टेबल अपडेट रेडी हो चुका था। लेकिन Xiaomi ने इस अपडेट को 1 महीने 21 दिन बाद यहाँ पर रिलीज़ किया है बेटा टेस्टर्स के लिए। और पोको M5 के लिए 14.0.8.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट अगस्त का पैच MI पायलट से पब्लिक में
रिलीज़ हो चुका है। तो ये सारे स्टेबल अपडेट्स हमारे रिलीज़ हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से स्टेबल अपडेट का वेट है। अगर आपको वो अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है तो अभी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी अपडेट्स रिलीज़ होंगे इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। Right beside me.